रोड हुई नाले में तब्दील निकले कैसे लोग। प्रयागराज जनपद के खीरी थाना अंतर्गत कंचनपुर गांव में जहां सूबे मुखिया माननीय योगी जी कहते हैं रोड को लेकर बड़ी बड़ी बातें, वहीं रोडों का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। रोड हुई नाले में तब्दील, ग्रामीण खेत में पगडंडी कर जाते हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं। आखिर कब तक होगी जांच? कब तक घर बैठे कर्मचारी लेते रहेंगे वेतन? कब होगा ग्रामीणों की सुनवाई? प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए दिवाकर पाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ इस समय प्रयागराज जनपद के खीरी थाना अंतर्गत ग्राम सभा कंचनपुर में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस तरह से लोग गुजारा कर रहे हैं ये आप खुद देखकर समझ सकते हैं। यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्रधान हो चाहे लेखपाल हो, जो आदि कर्मचारी हैं जो सरकारी वेतन सिर्फ घर बैठे खा रहे हैं, उनको ग्राम सभा और ग्रामीणों से कोई लेना देना नहीं। यहाँ का जो रोड है इस तरह से बेहतर है कि देख लीजिए नाले में तब्दील हो चुकी है। यहाँ के ग्रामीण अगर देखा जाए तो किस तरह से आते जाते हैं, यहाँ की कोई समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के जो सारे कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे लेखपाल हो चाहे प्रधान हो या उनसे बड़े कोई भी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी, वो सिर्फ घर बैठे वेतन खा रहे हैं। बाकी ग्रामीणों की उनके समस्या से कोई लेना देना नहीं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये किस जगह किस तरह है। पूरी की पूरी जितनी भी ये रोड है, कहीं कहीं इतना गड्ढा हो गया है कि बिल्कुल कोई जाने लायक नहीं है। और अगल बगल जिसका मकान भी है, ज़मीन भी है, वो अपना रून के रखा है। बगल में नाला है, अब लोग इसमें से जाए तो कैसे जाए? सिर्फ वो गाड़ियाँ दूसरे के घर में रख कर पैदल ही अपने घर को जाते हैं। यहाँ सिर्फ नेता मंत्री कभी आते हैं जब उनको वोट की ज़रूरत पड़ती है, बाकी टाइम उनको कोई जनता से लेना देना नहीं। और यहाँ का विकास अगर देखा जाए तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ का विकास कैसे है। विकास तो पूरी तरह विकास का नाम ही नहीं है इस ग्राम सभा में। इसी के साथ